हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके सामने जो कंफ्यूज चल रहे हैं, आपने जैसे देखे कि रिजल्ट आ गया, फॉर्म आ गया अब करेक्शन का, तो सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है ना बच्चों का वो ये है कि जिनके रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा हुआ है क्या उन्हीं को अपडेट करना है या सभी को। तो बार बार जो कमेंट मैसेज आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के डाल दो, सभी के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा इशू है कि जिसके भाई या बहन जिनसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे है उनको क्या करना है, अगर फैमिली आईडी में दिक्कत है तो क्या करना है, इतने ही डाउट हैं, एक दो और कुछ बच्चों के डाउट्स हैं। तो सभी डाउट के सारे हम चर्चा करेंगे और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको जो करेक्शन करना है अपडेट करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही था कि जिनके रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा है उनको क्या करना है। देखो ये नोटिस है, मैं पहले दिखा देता हूँ नोटिस अपने पास पूरा का पूरा। और नोटिस की एक डेट ये भी है कि जो आपके डेटा वैलिड होंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं 10 जुलाई 2022 तक। अगर 10 जुलाई 2022 तक है तो ठीक है, उससे पहले एक डेट फिक्स कर रखी है। तो जिनके रिजल्ट में प्रोविजन लिखा हुआ है उनको तो अपडेट करना ही करना है, ये तो मैंडेटरी है, यानी कि जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो फॉर्म रद्द हो जाएगा। और जिनके नहीं लिखा है उनको करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो जिनके फादर जैसे गवर्नमेंट जॉब में थे, मान लेते किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, उनको पेंशन मिलती है, अब उनको पेंशन मिलती है। बट कई बार ऐसा भी हुआ फादर गवर्नमेंट में जॉब में थे, फादर की डेथ हो गई, उनकी माता जी को पेंशन, तो उनकी फैमिली आईडी में इनकम 180 से ज़्यादा है तो उनको विड्रॉल करने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि फादरलेस के नंबर, कई बार ऐसे भी मिले हुए हैं स्टूडेंट्स को, तो वो भी करना पड़ेगा। जिनके भाई या बहन गवर्नमेंट जॉब में है उनको क्या करना है, अगर भाई मैरिड हैं या नहीं है जो भी मैटर है, बहन का तो कोई मैटर है नहीं, अगर भाई फैमिली आईडी में है तो बात अलग है, उनको अलग करवा दो बस, और कुछ नहीं करना। इनके कोई नंबर से अपना कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी एक फैमिली आईडी में तो आप अलग करवा दो जल्दी से जल्दी। अगर फैमिली आईडी में दिक्कत है, इनकम का इशू चल रहा है, तो आप सीएससी सेंटर में जाके अपनी फैमिली आईडी अपडेट कराएं जल्दी से जल्दी, और ठीक है। उसके बाद दो तीन प्रोसेस होते हैं इसके, स्कूल वगैरह में एक होता है बीएलओ और फिर एक वहाँ पे कोर्ट में कोई कैंडिडेट होता है एसडीएम को, एसडीएम ऑफिस में, उनसे आप बात करके करवा सकते हैं। अब आते हैं इस नोटिस पे। नोटिस का जो डेट दे रखी है फिक्स, वो इन्होंने माना है कि 10 जुलाई 2022 तक आपने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे उसी बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे। अब बात इनकम की होती है, इनकम वेरिएबल होती है, बढ़ती घटती रहती है, आज के हिसाब से आप अपनी इनकम देख सकते हैं। अब ये जो पोर्टल है ये 2 फरवरी 2023 से 16 फरवरी तक रात के 11:59 तक रहेगा। तो रात के 11:59 का आपको कोई मतलब नहीं है, आप आज की डेट में 2 तारीख की 3 तारीख जल्दी से जल्दी अपडेट करवा दीजिए। बाद में पता है हरियाणा सरकार कैसी है, इनके नोटिस, इनके ये साइट कैसी चलती है। तो ये जो पहले ही बता रहा हूँ कि 10 जुलाई 2022 से पहले के आपके डेटा होने थे, ठीक है, उस टाइम पर आपकी जो कंडीशन बनी हुई थी, जैसे EWS है, EWS आपका बन चुका था तो आपका वैलिड है, ठीक है, ये आपके हैं। और कंडीशन ये है कि जिन कैंडिडेट के, ये उन्हीं को अपडेट करना है जिनके 38 नंबर हैं, और 38 नंबर आने के बाद ही 5 नंबर जिनको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जिनके नंबर 37 हैं, 36 हैं और 5 जोड़ के आप बना रहे हो तो वो 5 नहीं जुड़ेंगे। अगर आप क्वालिफाई 38 नंबर से नहीं हो तो फिर आपके 5 नंबर जुड़ने की कोई संभावना ही नहीं है, ओके। तो ये आपका नोटिस है, नोटिस कंप्लीट है। इसका नोटिस अगर आप देखना चाहते हो तो कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, वरना अपना इस वीडियो के लिंक में, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपने यूट्यूब उसका टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप देख सकते हो। कंडीशन ये है कि 38 नंबर या उससे अधिक वाले को करना है, और जल्दी से जल्दी आपको जो भी डाउट्स हैं इसमें आप देख सकते हो, बाकी और कोई डाउट है भी नहीं स्टूडेंट्स का, तो सबसे ज़्यादा ये था डाउट। हाँ, एक बात मैं और बता देता हूँ, जो कैंडिडेट इसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो जरूर करें, जिसकी कंडीशन नहीं है विड्रॉल करने की, यानी कि उसको करने चाहिए थे लेकिन वो गुमराह कर रहा है सरकार को, तो उसकी उम्मीदवारी तो कैंसिल की जाएगी, साथ के साथ धारा 420 भी उसके साथ जोड़ दी जाएगी, यानी कि आपका करियर डूब सकता है। तो ऐसे लालच में बिल्कुल भी न आए कि मैं 5 नंबर एक्स्ट्रा के ले लूँ, ठीक है। और फैमिली आईडिया वाला इश्यू आप जल्दी से जल्दी ठीक करवा सकते हो, ये आपका आप टेलीग्राम से देख सकते हो कंप्लीट। तो ये था अपना। इसके साथ मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको मैथ्स के कुछ कोर्स वगैरह चाहिए तो अपने ऐप शिक्षा 2.0 पे आप जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।